सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके प्यारे राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे सादर ढूंढते रह जाओगे। हाँ, क्या शिखर जी पर अपनी 25 टोंकों को ढूंढते रह जाओगे? क्या ऐसा हो सकता है? जिस तरीके से हम सुविधाओं के लिए कोशिश करते हैं ना, या सुविधाओं का गुलदस्ता हमारी तरफ आता है तो समझ लिए सुरक्षा का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। जिस जिस तीर्थ की मंदिर की सुरक्षा रखना चाहते हो, सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसके लिए कभी भी सुविधाओं की बात मत करिएगा। सुविधाएं के लिए याचना मत कीजिएगा। कोई सुविधाएं पकड़ा रहा हो ऐसा लॉलीपॉप कभी मत लीजिएगा। यह हम नहीं कह रहे, संत कहते हैं। वह तो ये कहते हैं, अगर यह सुविधाओं का ताता आपकी तरफ, कहते ना ये लॉलीपॉप जो बढ़ रहा है, इस तरह अगर बढ़ता रहा तो एक दिन आपसे वह तीरथ निकल जाएगा। ठेकेदारों को देखा है ना, यह मुनि श्री विहर सागर कहते हैं, ठेकेदार आता है, खाली प्लॉट पर आता है, आपके कहता है मैं कुछ 2-3 फ्लैट बना दूंगा, 12-13 फ्लैट बना दूंगा, 2 आपको दे दूंगा, बाकी आपके लिए। आप खुश हो जाते हो क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, सोचते हो अच्छा बन जाएगा, और आपकी पूरी पूरी जमीन उस 2-3 फ्लैट के चक्कर में सब ले जाता है, और आप खाली बिद बाद में महसूसते रहते हो अपने हाथ जब सब कुछ चले। हम क्या कहें इस बारे में, सुनते हैं मुनिश्री विहर्ष सागर जी से। शंखनाथ कर रहे हैं 18 दिसंबर लाल मंदिर के सामने, सबको पहुंचना है लाल किला मैदान में। अगर शिखर जी से हमारा जरा भी जज्बा, जरा भी नाता, जरा भी हमसे जुड़ाव है तो सचमुच इस तीर्थ के लिए इतना तो प्यार है, इतनी तो सहर्दी है, हम दर्दी को याद रखना, शिखर जी भी तुम्हें पुकारता है। लाल किले मैदान पर एक बार हर कोई आना चाहता है। सुनते हैं मुनिश्री व्यर्थ जी कहते हैं, ढूंढते रह जाओगे शिखर जी पर अपनी टोंके। ठेकेदार क्या कहता है? ठेकेदार, आपकी जमीन पड़ी थी अच्छी 200 गज की, 250 गज की, 500 गज की। एक ठेकेदार आता है धीरे से, जैन साहब आपका ये प्लॉट पड़ा है ना, इसको बना दो 5 मंजिल 6 मंजिल। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं बनाना है। अरे बना दो, क्या दिक्कत है? अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर। अरे तुम्हें पैसा लगाना ही नहीं है? मैं लगाऊँ ना पैसा? पैसा तो मैं लगाऊँगा पूरा, चिंता मत करो आप। आप तो यहाँ पर अच्छे अच्छे 10-12 फ्लैट बन जाएंगे, अच्छे फर्स्ट क्लास, और इसमें से 2 फ्लैट तुम्हारे बने बनाए दूंगा, अच्छा डीलक्स फर्स्ट क्लास बना के दूंगा, 2 तुम्हारे, बाकी हम जो पैसे लगा रहे थे बेच देंगे हम। आप खुश हो गए, अच्छा 2 डीलक्स हमें भी मिल जाएंगे? हाँ, आपको भी 2 फ्लैट मिल जाएंगे, आपको एक बेचना तो बेच देना, एक रखना है तो दोनों रख लेना, और कुछ पैसे भी दे देंगे। देखो आप खुश हो गए ना सुविधा देख के, आपने तुरंत हाँ कर दी, 2 फ्लैट मिल गए आपको, कुछ पैसा मिल गया, जमीन चली गई आपकी, जमीन तो चली गई ना है, आपकी आज़ादी चली गई, आपकी छत चली गई, सब कुछ चला गया आपका, तो आप सुविधा मिली पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा कि नहीं पड़ा है। तो इसीलिए ये सिर्फ मेरा मिशन एक ही है, हमें सुविधाएं नहीं चाहिए। अगर क्षेत्र बचाना है, अगर क्षेत्र की रक्षा करना है, तो क्षेत्रों पर कभी भी सुविधाएं मत लो, चाहे यात्रा करो या ना करो, पर उस क्षेत्र की पवित्रता को बना कर रखो। बस मेरा ये मिशन है, क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है उस पर, और हम 18 तारीख को ये आवाज़ उठाएंगे, हमें शिखर जी पर आपकी कोई सुविधा नहीं चाहिए कि हमारा समय शिखर जी हमसे छूट जाए, क्यों टोंके ही तो है वहाँ पर। अभी देखो फोटो आई कि समय शिखर जी पर जो टोंके हैं, और टोंक के ऊपर क्या है, चरण है, हम जिन चरणों को छू के आते हैं, मस्तक लगा के आते हैं, उस पर टूरिस्ट बैठे हैं 2-3, और जूते चप्पल पहने हैं, और जूते के साथ चरण पे पैर रख के बैठे हैं, चरण पे पैर रख के खड़े हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। ये फोटो आई है, बताओ जब आज, अभी तो बना नहीं वहां पर कुछ, अभी से ये हाल है, तो सोचो जब बन जाएगा तो चरण ही तो है। कभी सरकार क्या करेगी, धीरे से ट्रक चलवाएगी और कभी ठोकर मार दो टूट फूट जाए, कभी यहाँ ठोकर मार दो और क्या नहीं, यहाँ भी नहीं बनवा दे रहे हैं कुछ, वहाँ नहीं बनवा देंगे। एक दिन पता चला 24 टोंक में ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, भाई टोंक कहाँ चली गई, ये टोंक कहाँ चली गई। अरे पर पिछली बार आए थे जब 2 साल पहले जैसे टोंक थी यहाँ पर, वो टोंक कहाँ चली गई। ऐसे ऐसे करके आप पूरा शिखर जी खो दोगे, जैसे गिरनार जी खो चुके हो। अगर पीर है गिरनार जी की, तो उस पीर को उजागर कीजिए 18 तारीख को लाल किले पर,
सिर्फ क्या चाहिए? जन बल। क्या चाहिए आपसे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेब खाली करो, दान दो, पैसा दो, मत दो, कुछ मत करो, बट उल्टा हम तुम्हें खाना खिलाएंगे वहां पर। आप आओ, हमने आपकी खाना की व्यवस्था रखी है, भोजन की व्यवस्था रखी है, आप आओ वहां पर, है ना। देखिए, मुझे अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है वहां पर, मुझे अपनी नाम नहीं चाहिए। सुना आपने गुरुवर से, शिखर जी के बारे में जरा भी जज्बा हमारी रगों में दौड़ रहा है ना, अगर खून में कुछ भी कहता है कि हाँ शिखर जी के बारे में कभी तुम्हें सुनना सोचना पहुंचना है, हाँ हमारा ही तीर्थ है, हमारे लिए ही है, हमारे लिए हमारे तीर्थन गुरु की धरा है। तो सचमुच 18 दिसंबर 2022 लाल मंदिर के सामने पहुंचना है, लाल किला मैदान में सबके साथ सबको लाकर, अड़ोसी को, पड़ोसी को, परिवार में इसको भी उसको भी, छोटे को भी बड़े को भी, सबको लेकर आइएगा। आज का पावन दिन कुछ इसी तरह कह रहा है, बहुत पावन दिन है। दृश्य देख रहे हैं आप इस समय, यह बड़ा मंदिर हसनापुर का, जहां पर 16वें तीर्थंकर, 17वें तीर्थंकर, 18वें तीर्थंकर, जी हाँ तीर्थंकर शांतिनाथ जी 16वें, 17वें श्री कुंतुनाथ जी और 18वें अरहनाथ जी, जिनका आज है तप कल्याणक। पावन धराए 84,000 वर्ष की आयु थी, 1,000 करोड़ वर्ष बाद आपका जन्म हुआ था कुंतुनाथ भगवान के बाद, 21,000 वर्ष कुमार काल में निकल गया, 42,000 राजपाट किया। बस ऐसे दिन था, क्योंकि मौसम आज ही है तो ठंड का मौसम था, पहाड़ अपने महल के ऊपर बैठे थे, देख रहे थे आसमान में बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे, और तभी देखा कि बादल आते हैं जाते हैं, बीच में ही मिट जाते हैं। क्या यही संसार है? कहीं निसार है? इसी तरह जीवन मिट जाएगा, आया गया, इस 84 लाख योनियों में यूं ही भ्रमण करते रहेंगे, बस इस संसार को छोड़कर एक लक्ष्य प्राप्त करना है, जन्म मरण की इस क्रिया को खत्म करना है, बस अब दीक्षा लेने के तैयार हो गए। दोपहर का समय था, 1,000 राजा साथ में चले, अगर ये जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं जरूर, कोई ना कोई कल्याण की बात है। सब चल दिए हसनापुर के सहेत वन में, पालकी से चल दिए अरहनाथ भगवान। आम्र वृक्ष के नीचे पहुंचे, दोपहर का ही समय था, पंचमुष्टि केश लोच किया और तप में लीन हो गए। 16 वर्ष के कठोर तप के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोली 18वें तीर्थंकर श्री अरहनाथ भगवान जी के तप कल्याण की जय जय जय। पर ध्यान रखिएगा, कल दिन एक पड़ेगा, तीर्थंकर 2 होंगे और कल्याणक 3 होंगे, कल ही बात करेंगे आपसे। सादर जय जिनेंद्र।